किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखिए, नंबर फर्स्ट कि दही की सब्ज़ी खाना किसको पसंद नहीं है। पनीर में बहुत सब्ज़ियों में हम डालते हैं, तो दही आप जब डालें उसमें उबाल आने दें, उसके बाद ही आप उसमें नमक ऐड करें। टिप्स नंबर टू, जब भी आप पूरी बेलें उनको 2 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राई करें, फूली फूली और क्रिस्पी पूरी बनेगी। नंबर थ्री, हरी मिर्च में आप थोड़ी हींग मिला के रख सकते हैं ताकि उससे भी ख़राब नहीं होती है, और उसके डंठल तोड़ के भी आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अभी ब्रेड हमारे घर में अक्सर आती है, और ब्रेड जब सूख जाती है तो आप ब्रेड का मिक्सर में क्रम्स बना लें, उसका बारीक चूरा कर लें, और उसको किसी भी रोल वगैरह बनाने में आप उसका यूज़ कर सकती हैं। तो रायता देखो किसको खाना पसंद नहीं है, हम सबको पसंद होता है। तो रायते में आप जब भी बनाएं तो उसमें नमक तभी डालें जब आप उसको सर्व करें, नहीं तो वो बहुत खट्टा हो जाता है। आप अगर चिप्स बना रहे हैं घर में तो आप चिप्स जब अपना करके रख देते हैं तो उनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, फिर फ्राई करें। चावल को कीड़ों से बचाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके रख सकते हैं उसके डब्बे में, इससे चावल ख़राब नहीं होते और कीड़े भी नहीं होते। तो इडली को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा साबुदाना पाउडर मिला सकते हैं, जिससे इडली सॉफ्ट बनेगी। सूजी का हलवा टेस्टी और खिला खिला बनाने के लिए आप जब सूजी फ्राई करें तो उसमें 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर दें।